हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपका पर्सन आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आते जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं कि रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो अपने क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और उस इंसान की फीलिंग्स और सोच जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप उस इंसान को अपने माइंड में रखकर भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लिया है। इसी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं नाइट ऑफ वांड्स, द हाई प्रेस्टिस, पेज ऑफ कप्स एंड द मजिशियन। यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड है। सारे ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सारे ही जोडियक साइंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। वैसे भी ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये नंबर्स आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं या फिर एक नई शुरुआत को भी ये नंबर्स बता रहे हैं। न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है तो बात हो सकती है, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। ये पर्सन सोच विचार में लगा है और सोचे जा रहा है। इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो नाइट ऑफ वांड्स के कार्ड में क्लियर दिखाई दे रहे हैं और इस बात की पुष्टि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी कर रहा है कि आपके पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, जो प्यार वाली फीलिंग्स हैं ना, जो ये पर्सन महसूस कर रहा है इस वक्त आपके बारे में, उसके बारे में ये पर्सन अपने फ्रेंड से बात भी करता है और यहाँ पर ये फीलिंग्स यहाँ पेज ऑफ कप्स के कार्ड में नज़र भी आ रही हैं। तो यहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है नाइट ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड में कि आपका पर्सन जो फील करता है उसको बयान भी करता है, आपके लिए एक्शन भी लेने के लिए खुद को रेडी कर चुका है, बस इंतज़ार है तो इस पर्सन को राइट टाइम का। और वो राइट टाइम मुझे ऐसा लगता है आ चुका है। ये पर्सन ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि अगर अभी इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किया, इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए कुछ नहीं किया, अगर आपको अपना बनाने के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएगा। जो चीज़ें ये पर्सन अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो इस पर्सन की इच्छाएँ थीं, ये राइट टाइम है उन इच्छाओं को पूरा करने का और उन इच्छाओं पर अमल करने का। तो ये पर्सन अगर एक्शन लेगा तो इस पर्सन की बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको पाना इस पर्सन की एक बहुत बड़ी विश नज़र आ रही है और इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्लियर दिखाई भी दे रही हैं इन सारे ही कार्ड्स में। अब तक ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनको छुपाए बैठे थे अपने दिल में, पर अब इस पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है कि अब इस पर्सन को अपने उन इच्छाओं को ना पूरा करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, आपको अपना बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर अभी तक ये पर्सन अपने ही मन में आपको चाहते रहे हैं और इस पर्सन के मन में ये इच्छा थी कि आपको प्रपोज़ करे, तो अब ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने का सोच रहा है। इस वक्त ये पर्सन अपने जीवन में वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है जो ये पर्सन पाना चाहता है और उसके लिए एक्शन लेने के लिए भी खुद को तैयार कर चुका है। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके मन को पढ़ना और आपके माइंड को पढ़ना इतना आसान नहीं है। आपके मन को जितना भी पर्सन पढ़ने की कोशिश करता है, आपके माइंड को जितना पढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही ये पर्सन आपके ख्यालों में डूबता चला जाता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने सीक्रेटिव किस्म के इंसान हैं, अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को छुपाए बैठे हैं और ये पर्सन आपको द हाई प्रिंसेस के रूप में देख रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन की जो सोच है आपको लेकर एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत
सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके मन को पढ़ने की कोशिश ये पर्सन करना चाहता है, पर आप उस पर्सन को ना मौका नहीं दे रहे, पर अब ये मौका ये पर्सन खुद छीन लेगा, हासिल कर लेगा और आपसे कैसे भी करके कांटेक्ट करेगा ये पर्सन। तो ऐसा ये पर्सन इस वक्त सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आप इस कोशिश में हैं कि इस पर्सन के मन को पढ़ सकें, इस पर्सन के माइंड को पढ़ सकें, इस पर्सन को जान सकें कि इस पर्सन के मन में आखिर है तो क्या है आपके लिए। जो ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहा है वो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन के बारे में हर चीज़ जानना, इस पर्सन को जानना, इस पर्सन की अंतरात्मा को आपने जिस तरह से छुआ है ना, ये पर्सन भी ये महसूस करते हैं कि इस पर्सन के दिल को जितना आप समझ पाए हैं, जितना आप इस पर्सन के माइंड को पढ़ पाए हैं, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जहाँ पर आपने इस पर्सन के मन को छुआ है, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स को जन्म दिया है, आपने इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स जगाई हैं वो फीलिंग्स अभी भी इस पर्सन के मन में हैं। और ये पर्सन इस बात के बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि इस पर्सन के दिल के इतने करीब और इतने क्लोज आ चुके हैं आप कि अब ये पर्सन आपको बताना चाहता है ये चीज़ें। अब तक ये पर्सन बता नहीं पा रहे थे या फिर जानकर ही ये पर्सन नहीं बता रहे थे, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे और किसी मैजिक का इंतज़ार कर रहे थे, पर अब ये बात भी ये पर्सन समझ चुका है कि मैजिक यूँ ही नहीं होगा, इस पर्सन को खुद ही कुछ ऐसा करना होगा, एक्शन लेना होगा, तभी सारी चीज़ें सॉल्व होंगी और जो ये पर्सन चाहते हैं, जो इस पर्सन की विशेष हैं वो पूरी होंगी। आपको पाना इस पर्सन की विशेष, तो इस पर्सन को ही आपको पाने के लिए एफर्ट्स डालने होंगे, तब आप इस पर्सन को पा सकेंगे। और आपके लिए भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप भी ऐसा ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में जो अपनी राय बना चुके हैं वो एक ऐसी राय है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके मन में जो फीलिंग्स, जो इच्छाएँ हैं आप खुद नहीं बताएंगे, बल्कि इस पर्सन को ही जानने की कोशिश करनी होगी। इसलिए पर्सन एक्शन लेने की पोजीशन में नज़र आ रहा है, जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। 24 आवर्स आप इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं, ये पर्सन ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे कोई ना कोई तो इस पर्सन का नाता है, कोई ना कोई तो रिश्ता ऐसा बन गया है, और ये रिश्ता दिल से दिल का रिश्ता है। अब ये पर्सन इस रिश्ते को नाम देना चाहता है, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अब तक जो भी सोचा था ना वो एक्शन में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहा है दूसरी चीज़ों में। और अब इस पर्सन का जो माइंड है सिर्फ सोच विचार तक ही नहीं सीमित है, अब ये पर्सन एक्शन की पोजीशन में है, एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत जल्द जो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में हैं उन्हें आपको बताएगा। अपने फ्रेंड से तो ये पर्सन बहुत बातें करता है आपके बारे में, अब ये आपसे मिलकर, आपके सामने बैठकर आपसे बात करना चाहता है, आपके रिएक्शन देखना चाहता है कि जब ये पर्सन आपके सामने होगा तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, आपके चेहरे पर आते हुए एक्सप्रेशन नोट करना चाहता है, आपको महसूस करना चाहता है। अभी ये पर्सन इसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने फ्रेंड से बातें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ ना हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है, तो ये एक ऐसा ही मैजिशियन बनकर उभरेगा, आपके सामने आएगा, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये पर्सन पहले तो ऐसे नहीं थे, अब जिस रूप में ये पर्सन आपको दिखाई देगा, इस पर्सन के इस रूप को देखकर आप भी कह उठेंगे वाओ। तो यानी कि आपने जो चाहा था वो सब पूरा होगा और कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आपको जो इंट्यूशंस मिल रही हैं, जो गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आपको मिल रही हैं, वो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं कि जिन चीज़ों को आपने मैनिफेस्ट किया था वो अब आपके जीवन में हकीकत बनने जा रही हैं। इस पर्सन के रूप में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलने जा रहा है जो इंसान किसी भी रिश्ते में आपको बांध सकता है, यानी कि अगर आप चाहें इस पर्सन से फ्रेंडशिप रखना तो ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप रखेगा, अगर आप चाहें इस पर्सन से शादी करना तो ये पर्सन आपसे शादी भी कर सकता है, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इस पर्सन के रूप में एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलने जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा और आपने जो चाहा था वो आपकी चाहत को पूरा कर देगा। कोई न्यू पर्सन हो सकता है ये, या फिर आपका कोई ओल्ड पार्टनर हो सकता है, या फिर जिस इंसान को आप चाहते हैं ये इंसान वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, जो इंसान जो सोचता था
उसको अब एक्शन में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये रीडिंग आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपकी कोई चाहत है जिसे आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी वो कौन सी चाहत है, कौन सी वो विश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी, आपके लिए प्रेयर्स करूँगी, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपकी वो चाहत पूरी हो सकती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कौन सी वो चाहत है। ओके माय लवली व्यूअर्स, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।